आज मैं आपको बताऊंगा स्लो कंप्यूटर को फास्ट करने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनकी मदद से आप अपने कंप्यूटर को काफी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले कीबोर्ड की सहायता से विंडोज आर बटन को प्रेस करेंगे। यहां पर सबसे पहले टाइप करेंगे temp, और ओके प्रेस कर देंगे। यहाँ पर जितनी फाइल है उन्हें कंट्रोल ए की सहायता से सेलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे जितनी फाइल है वो डिलीट हो जाएंगी और जो डिलीट नहीं होंगी उन्हें आप स्किप कर दीजिए, क्लोज कर देंगे। अब फिर से कीबोर्ड की सहायता से विंडो आर प्रेस करेंगे। इस बार हम टाइप करेंगे परसेंटेज ईएमपी परसेंटेज अगेन, ओके प्रेस कर देंगे। इन्हें भी कंट्रोल ए की सहायता से सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। जो फाइल डिलीट नहीं होंगी उन्हें स्किप कर देंगे। और क्लोज कर देंगे। अब फिर से विंडो के साथ आर बटन प्रेस करेंगे। इस बार हम टाइप करेंगे TREE और ओके प्रेस करेंगे। थोड़ी सी प्रोसेस होगी, उसे होने दीजिए। नेक्स्ट फिर से हम विंडो के साथ आर बटन प्रेस करेंगे। इस बार हम टाइप करेंगे PREFECH टिपटेक और ओके दबाएंगे। यहाँ पे कंट्रोल ए की सहायता से सभी फाइलों को सेलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करेंगे और एंटर दबा देंगे। हम फिर से विंडो के साथ आर बटन को प्रेस करेंगे। इस बार हम टाइप करेंगे क्लीन मगर CLEANMGR। और ओके प्रेस कर देंगे। फिर से ओके करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेस होगी, उसे होने दीजिए। यहाँ पे सभी फाइलों को सेलेक्ट कर लीजिए और ओके प्रेस कर देंगे। यहाँ पे इन सभी फाइलों को डिलीट कर देंगे। थोड़ी सी प्रोसेस होगी, उसे होने दीजिए। अगला है डीप फ्रेगमेंट। इसके लिए आप माई कंप्यूटर में जाइए, लोकल डिस्क सी में जाइए, माउस से राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, यहाँ पर टूल्स में जाइए, यहाँ पर डीप फ्रेगमेंट का एक ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे डीप फ्रेगमेंट नाउ। और यहाँ पर डीप फ्रेगमेंट डिस्क पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा ही, इसे होने दीजिए। आप अपनी कंप्यूटर की थीम को चेंज करके भी आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप माउस से राइट क्लिक कीजिए, पर्सनलाइज में जाइए और यहाँ पर बेसिक एंड हाई कॉन्ट्रास्ट थीम का एक ऑप्शन है, इसमें से कोई सी भी एक थीम सेलेक्ट कीजिए। ये काफी कम रैम को कंज्यूम करता है। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा और ओके कर देंगे। आप देखेंगे कि आपका कंप्यूटर काफी हद तक फास्ट हो चुका है और पहले से काफी फास्ट ग्रो करने लगा है।
ये सभी टिप्स यूज करके आप अपने कंप्यूटर को काफी हद तक फास्ट बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।